आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आज रूस के कजान में द्विपक्षीय वार्ता होगी। ये मुलाकात इसलिए भी बेहद अहम हो जाती है क्योंकि इससे ठीक पहले एलएसी पर तनाव खत्म करने के लिए दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है। एलएसी पर चीन के साथ सीमा विवाद सुलझने के बाद साल 2020 से पहले की स्थिति बहाल हुई है। जून 2020 में एलएसी पर गलवान घाटी में चीन की साजिश सामने आई थी। चीनी सैनिकों ने धोखे से भारतीय जवानों पर हमला कर दिया था, जिसका मुंहतोड़ जवाब हिंद के शूरवीरों ने दिया था और चीन को करारा सबक सिखाया था। चार साल बाद एलएसी पर तनाव कम हुआ है, चीन को बैकफुट पर जाना पड़ा। भारत के कड़े रुख के बाद विस्तारवादी चीन को झुकना पड़ा और एलएसी पर पेट्रोलिंग के लिए समझौते पर सहमत बन गई। विदेश मंत्री ने इसे एक बड़ी कामयाबी बताया है। जयशंकर ने कहा कि बड़े देशों के बीच मनमुटाव होता रहता है, लेकिन ये एक बड़ी सफलता है। अब पेट्रोलिंग को लेकर समझौता हो गया है, अब हम वहाँ तक पेट्रोलिंग कर सकेंगे जहाँ 2020 तक करते आ रहे थे। चीन ने भी सीमा पर सैन्य गतिरोध खत्म होने के लिए भारत के साथ हुए समझौते की पुष्टि की है।近段时间以来，中印双方通过外交和军事渠道就中印边境的有关问题保持密切沟通。目前双方已就有关问题达成了解决方案，中方对此予以积极评价。下一步，中方将与印方落实好上述解决方案。 एलएसी पर गतिरोध ऐसे वक्त में खत्म हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने रूस पहुंचे हुए हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने लगी है और अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी में द्विपक्षीय मुलाकात होने जा रही है। आई कैन कंफर्म दैट देयर विल बी अ बायलैटरल मीटिंग हेल्ड बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट शी जिनपिंग टुमारो 23rd ऑफ अक्टूबर on the sidelines of the BRICS summit. माना जा रहा है कि इस मुलाकात में सीमा विवाद सुलझाने और दोनों देशों के आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर बात होगी। पीएम मोदी के रूस दौरे से पहले भारत और चीन के अधिकारियों के बीच मीटिंग के बाद जो करार हुआ है उसके मुताबिक एलएसी पर जैसी स्थिति जून 2020 से पहले थी अब फिर वैसी ही होगी। इस समझौते से अब देपसांग और देमचोक में भी पेट्रोलिंग हो सकेगी। समझौते के तहत भारतीय सेना देपसांग में पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 तक और देमचोक में चार्डिंग नाले तक पेट्रोलिंग कर सकती है। चीन के साथ सीमा विवाद सुलझने और 2020 से पहले की स्थिति बहाल होने को भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। देपसांग में पेट्रोलिंग करना भारत के लिहाज से इसलिए भी जरूरी है क्योंकि काराकोरम दर्रे के पास दौलत बेग ओल्डी पोस्ट से 30 किलोमीटर दूर है। पहाड़ियों के बीच ये सपाट इलाका भी है जिसका इस्तेमाल सैन्य गतिविधि में किया जा सकता है। वहीं डेमचोक सिंधु नदी के पास पड़ता है। अगर यहाँ पर चीन का नियंत्रण होता है तो इससे उत्तर भारत के राज्यों में पानी की आपूर्ति पर असर पड़ने का खतरा था। इस समझौते को लेकर भारत और चीन के डिप्लोमेटिक और सैन्य अधिकारी बातचीत कर रहे थे। इस लंबे विवाद को निपटाने के लिए कई मोर्चों पर चर्चा की गई। दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच 21 दौर और राजनयिकों के बीच 31 दौर की बैठक हुई थी। इस समझौते से तनाव कम करने में मदद मिलेगी। As far as we are concerned, we were looking at that we want to go back to the status quo of April 2020. Point number one. Thereafter, we will be looking at disengagement, de-escalation, normal management of line of actual control. And this normal management of line actual control will not just stop there. There are phases in that also. So this what I am saying, it's have been our stance from April 20 itself when General Y.K. Joshi was the army commander. And even today that remains the same way. So as of now, what has happened? We are trying to restore the trust. भारत और चीन में हुए सीमा समझौते के बाद दोनों देशों के संबंध सुधरने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मीटिंग के बाद डिस एंगेजमेंट का पूरा ब्यौरा सामने आ सकता है। जाहिर है कि इसका जो मैसेज है वो पूरे विश्व में भी जाएगा।
भारत और चाइना विश्व की दो सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं, दोनों मेजर पावर्स हैं, दोनों प्राचीन सभ्यताएं हैं, दोनों पड़ोसी राष्ट्र भी हैं, और ऐसे में इन दोनों देशों के बीच में यदि संबंध सुधरते हैं तो ये न सिर्फ इन दोनों देशों के लिए, भारत और चाइना के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक शुभ संकेत होगा। यानी एलएसी पर डिसएंगेजमेंट से दोनों देशों के बीच तनाव कम करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात में नए आयाम तक पहुंच सकता है। टीम न्यूज नेशन, न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।